हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीटा ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड दोस्तों, जैसा कि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए। मेरे चैनल पर सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं, थ्योरी सेशन चैप्टर वाइज दिया गया है, सभी का प्लेलिस्ट है अलग अलग। एंड थ्योरी सेशन तो है ही दोस्तों, के साथ चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराया गया है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड हिंदी इंग्लिश में 80 वीडियोज प्रैक्टिस कराया गया है। एंड डेली बेसिस से मैं प्रैक्टिस करा ही रही हूँ, तो दोस्तों डेली बेसिस मेरे साथ जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, अपने कमियों को सुधार करते रहिए प्रत्येक दिन। एंड रेगुलर जो लगा रहता है उसका जीत अवश्य होता है। तो दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक किन महीनों में आयोजित किए जाते थे? तो दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक खेल जो होते थे वह अगस्त सितंबर महीने में आयोजित किए जाते थे, और जिस महीने में आयोजित किया जाता था उसको, उस महीने को हीरोमैनिया कहा जाता था, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के लिए कौन सा इवेंट प्रथम और मौलिक था, यानी प्राचीन ओलंपिक के लिए कौन सा इवेंट प्रथम और मौलिक था? तो वह था आपका पथ दौड़। जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में एथेंस में खेला जाता था, और जो 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक कुल 293 ओलंपिक संपन्न हुए, यानी 1200 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 776 वर्ष ईसा पूर्व में आयोजित प्रथम ओलंपिक इवेंट कितने दिनों तक चला था? जो 776 ईसा पूर्व में आयोजित हुआ था वह चला था वल्ली एक दिन। नेक्स्ट है, जीएस देवता की पत्नी क्या क्या नाम था? हेरा के सम्मान में आयोजित महिलाओं का उत्सव का क्या नाम था? तो महिलाएं हेरा का उत्सव मनाती थी, जीएस देवता की पत्नी हेरा के सम्मान में इस महोत्सव में महिलाओं के लिए एथलेटिक स्पर्धाएं होती थी, बाद में सद्भावना दौड़ और में हिस्सा की अनुमति दे दी गई। नेक्स्ट है, किसके द्वारा पारित अज्ञप्ति के कारण प्राचीन ओलंपिक्स बंद कर दिए गए? तो आपको पता है 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक चला, 394 ईस्वी में रोम के तत्कालीन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने इसमें प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद प्राचीन ओलंपिक खेल खत्म हो गया, और जिसको पुनर्जीवित किए 1896 में एथेंस में बैरन पियर डी कुबर्टिन, इसलिए बैरन पियर डी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक में कितनी शताब्दियों का अंतराल था? तो प्राचीन ओलंपिक को प्रतिबंध लगाया था 394 ईस्वी में थियोडोसियस प्रथम ने, फिर दोबारा से स्टार्ट हुआ आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 एथेंस में, दोनों के बीच 1500 वर्षों यानी 15 शताब्दियों का अंतराल है। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक कब पुनर्जीवित किए गए? तो आप सबको पता है 1896 यूनान एथेंस में। नेक्स्ट है, पुराने ओलंपिक्स कितनी शताब्दियों तक चलते रहे? तो दोस्तों, 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक कुल 293 ओलंपिक संपन्न हुए 1200 वर्ष तक, यानी कि 12 शताब्दियों तक। ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है? तो यहाँ पे विषम आपको देखना है दोस्तों, यहाँ पे स्किल टेस्ट से रिलेटेड है, जैसे कि आपका मिलर वाल वॉली टेस्ट किससे रिलेटेड है? तो बैडमिंटन से रिलेटेड है। फ्रेंच एस्टेल्टर टेस्ट भी बैडमिंटन से रिलेटेड है।
लुकआउट एमसी फेरसन भी बैडमिंटन से रिलेटेड है। यहाँ पे विषम है आपका ऑप्शन नंबर ख लिलिच। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वातावरण से आए हुए ऑक्सीजन का दाब वायु कोश यानी एल्वेलाई में कितना होता है। तो दोस्तों जब वातावरण से ऑक्सीजन आता है तो एल्वेलाइज में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो गैसों जो एल्वेलाइज होता है वायु कोश होता है उसमें जो गैसों का दाब होता है यानी ऑक्सीजन का दाब होता है वह 100 mmHg होता है। कितना होता है 100 mmHg। जबकि रक्त वाहिनियों में जो पल्मोनरी धमनी लेकर जाती है फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए वहां पे आपका ऑक्सीजन का दाब 37 mmHg होता है। जिससे जो वायु या हवा या गैसों का सिद्धांत होता है कि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। तो जब वाहिनी रक्त वाहिनी में निम्न वायु दाब रहता है और ऑक्सीजन का लेवल एंड एल्वेलाई यानी वायु केस में फेफड़ों में उच्च वायु भार रहता है तो उच्च वायु भार से निम्न वायु भार यानी रक्त वाहिनियों में जाता है जिससे रक्त शुद्ध हो जाता है। और वहाँ पे जो रक्त में CO2 होता है वहाँ पे उसका दाब ज़्यादा होता है और फेफड़ों में कम होता है तो CO2 रक्त वाहिनियों से फेफड़ों में आकर के सीधे मुंह नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है नस की छोरों की यांत्रिक और रासायनिक उत्तेजना का घटना एक लक्षण है। तो दोस्तों यह एक चिड़चिड़ापन का लक्षण है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अंग रक्त कोशिकाओं के निर्माण का कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पीएसी श्वसन प्लीहा। तो यहाँ पे जो है रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। बट यहाँ पे बोन मैरो दिया नहीं है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों वयस्क अवस्था में एडल्ट होने पर बोन मैरो यानी कि जो हमारी लंबी अस्थियाँ होती है उसके खोखले भाग होते हैं उसको हैवेल्सियन नल कहते हैं। उसमें बोन मैरो होता है बोन मैरो में स्टेम कोशिका होती है जिसमें रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। बट यहाँ पे बोन मैरो दिया नहीं है तो यानी भ्रूणावस्था में जब बच्चा पेट में होता है उस कंडीशन में यकृत में निर्माण होता है और प्लीहा में। तो यकृत ज्यादा करेक्ट होगा। यहाँ पे यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी लीवर। नेक्स्ट है वर्धित रक्त प्रवाह और कोशिका चयापचय में गति वृद्धि सूचक है। तो दोस्तों यह सूचक है सूजन का। नेक्स्ट है निम्न में लिखित ऊर्जा के रूपों में सर्वाधिक भेदन क्षमता किसमें होता है। तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज इंफ्रारेड रेंज अल्ट्रासाउंड रेज बीटा रेज। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होता है अल्ट्रावायलेट रेज में। नेक्स्ट है निम्नलिखित ऊर्जा के रूपों में किसमें सबसे अधिक आवृत्ति होती है। दोस्तों फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा यानी आवृत्ति किसमें होती है सबसे ज्यादा। तो यह लघु तरंगे सूक्ष्म तरंगे सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है। नेक्स्ट ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि जिसमें वायु अथवा जल संचरण के द्वारा एक पदार्थ का शीतलन और उसके पश्चात दूसरे पदार्थ का तापन शामिल है वह क्या कहलाती है। तो दोस्तों वह संवहन यानी कन्वेक्शन कहलाती है। संवहन की प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों जैसे कि जो है आप लोहा गर्म कर रहे हैं तो ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि जिसमें वायु अथवा जल संचरण के द्वारा एक पदार्थ का शीतलन और उसके पश्चात दूसरे पदार्थ का तापन शामिल होता है तो क्या कहलाता है। ये संवहन कहलाता है। इसकी प्रक्रिया एक वीडियो में मैं बता दूंगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित टखने की संधि योजन जो हमारा टखना होता है एंकल होता है एड़ी के पास उसकी संधि योजन में कौन सी पेशियां मध्यवर्ती अथवा आंतरिक घूर्णन के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो दोस्तों सीधे जुड़ा रहता है हमारा गैस्ट्रोनेमियस जो घुटने के पीछे होता है कॉफ मसल्स और सीधे एड़ी तक जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे टखने के संधि योजन में मध्यवर्ती अथवा आंतरिक घूर्णन के लिए उत्तरदायी होता है आपका गैस्ट्रोनेमियस।
मसल्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित टखने के संधि योजन, फिर से टखने के संधि योजन में कौन सी संधियां पृष्ठीय आकुंचन के लिए उत्तरदायी हैं, यानी पीछे की ओर आकुंचन यानी फ्लेक्शन के लिए कौन सी होती है। तो वहां पे आपका टिबियल्स एंटीरियर पोस्टीरियर मसल्स होती है, तो टिबियल्स एंटीरियर मसल्स जो है वो उत्तरदायी होती है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी है सदिश राशि है कि अदिश राशि है। दोस्तों सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दिशा और परिणाम दोनों बताता है, और जिसमें केवल परिणाम का ज्ञात होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। तो दूरी जो है एक प्रकार का अदिश राशि है जिसमें केवल परिणाम ज्ञात होता है। एंड नेक्स्ट है, औसत वेग वी किसके बराबर होता है। तो औसत वेग वी जो है यहां पे राइट आंसर हो जाएगा क डब्ल्यू आर अपान टी के बराबर होता है। नेक्स्ट है, त्रिज्या कोणों से परिणाम को डिग्री में बदलने के लिए किससे गुणा किया जाता है। तो दोस्तों त्रिज्या कोणों को कोणों से परिणाम को डिग्री में बदलने के लिए 57.3 का प्रयोग, 3 से गुणा किया जाता है। नेक्स्ट है, डिग्री को त्रिज्या कोण में बदलने के लिए किससे गुणा किया जाता है। तो 0.0175 से गुणा किया जाता है। नेक्स्ट है, दो पिंड खंडों यानी टू बॉडी सेगमेंट के बीच के कोण यानी डिग्री को क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है सापेक्ष कोण यानी नॉन रिलेटिव एंगल। नेक्स्ट है, औसत कोणीय वेग किसके बराबर होता है। तो यहां पे दोस्तों ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा, क्यू अपान टी। नेक्स्ट है, विद्यालय में निर्देशन का कार्य निम्न में से किसका होता है। तो अध्यापक निरीक्षक प्रधानाचार्य मनोवैज्ञानिक। तो दोस्तों निर्देशन यानी आदेश कौन देता है, तो प्रधानाचार्य ही यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विद्यालय में निर्देशन के निम्नलिखित प्रकारों में किसमें मनोविज्ञान का प्रयोग होता है। तो दोस्तों व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन एंड व्यक्तिगत निर्देशन, इन सभी में मनोविज्ञान का प्रयोग होता है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, स्कूल मनोविज्ञानिक स्कूल में निम्न में से क्या कार्य करते हैं। तो जो स्कूल मनोविज्ञानिक होते हैं परामर्श देते हैं, चीजों को अंडरस्टैंडिंग लाते हैं। तो परामर्श आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की दृष्टि से सही अनुशासन निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों मनोविज्ञान की दृष्टि से सही अनुशासन जो है आत्म अनुशासन कहलाएगा। नेक्स्ट है, सिर से पश यानी पैर भाग की ओर भ्रूण के विकास का सिद्धांत निम्न से कौन सा है। तो दोस्तों जो भ्रूण के विकास का दो ही सिद्धांत होता है, सिफेलोकोडल और प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकोडल जो होता है उसमें सिर से पैर तक विकास होता है, और जो प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है केंद्र से बाहर की ओर होता है। यहाँ पे सिफेलोकोडल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में जीव के विकास के पहलू निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों वहां पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रक्रिया दोनों होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों पहलू में योगदान देता है। एंड नेक्स्ट है, गर्भावस्था में जीव के विकास की पहली अवस्था निम्न में से कौन सी है। तो दोस्तों उसमें होता है आपका परिपक्व भ्रूणावस्था, परिपक्व भ्रूणावस्था। नेक्स्ट है, मानव का जन्म निम्न में से किसमें होता है। तो दोस्तों मानव का जन्म जो है वो फलित रज अणु में होता है। नेक्स्ट है, मानव शिशु का काल संप्रत्यय यानी टाइम ट्रूथ निम्न में से किस आयु में प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 वर्ष में। नेक्स्ट है, मानव चिंतन के विकास में
अहम का संप्रत्यय निम्न में से किस आयु से आरंभ होता है? तो दोस्तों यह आरंभ होता है 6 माह में, ठीक है। अहम का संप्रत्यय जो है मानव चिंतन के विकास में, अहम का संप्रत्यय किस आयु में आरंभ होता है? 6 माह में ही अहम का संप्रत्यय आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट है, मानव में चिंतन के विकास में सबसे पहला संप्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों अहम का संप्रत्यय सबसे पहला संप्रत्यय है। कौन सा संप्रत्यय सबसे पहला है? तो अहम का संप्रत्यय। नेक्स्ट है, चिंतन का परिणाम परिमाण, सॉरी दोस्तों, चिंतन का परिणाम निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों चिंतन, तर्क करेंगे, चिंतन करेंगे तो किसी समस्या का समाधान होगा, तो यहाँ पे समस्या सुलझाओ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चिंतन में पहला सोपान निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों चिंतन में पहला सोपान आपका होगा प्रयत्न और भूल। प्रयत्न करेंगे, भूल होगा तब सीखेंगे। प्रयत्न एंड भूल एंड ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान में निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसे प्रतीकात्मक व्यवहार कहा गया? तो चिंतन को प्रतीकात्मक व्यवहार कहा गया। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान में समस्या सुलझाओ की प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों चिंतन करना ही, उसके बारे में सोचना ही, तर्क करना ही मनोविज्ञान में समस्या का सुलझाओ की प्रक्रिया माना जाता है। नेक्स्ट है, चिंतन का प्रमुख रूप निम्न में से क्या है? तो दोस्तों चिंतन मतलब तर्क करना, विचार करना, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तर्क। नेक्स्ट है, ओलंपिक पदक का व्यास कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओलंपिक पदक का व्यास 60 mm यानी 60 मिमी होता है। नेक्स्ट है, प्रथम ओलंपिक ऑर्डर सम्मान प्राप्त करता है? दोस्तों ओलंपिक में विशेष योगदान देने वाले उसके उत्कर्ष में दिया जाता है, तो ओलंपिक ऑर्डर सम्मान प्राप्त करता इसमें है एवरी ब्रेडेज अमेरिका के। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित नहीं है? सबसे पहले भारत में इंदिरा गांधी को दिया गया 1983 में, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी 1983 को दिया गया है, जसदेव सिंह 1985 को दिया गया है, अविनाश चंद्र चटर्जी 1981 को दिया गया है, बट आपको जमशेदजी टाटा को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट पाने वाला प्रथम व्यक्ति है? तो ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट पाने वाला प्रथम व्यक्ति है थियोडोर रूजवेल्ट यूएसए का, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण की विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी गुणांकों में वृद्धि करने के लिए निम्नांकित में से किस तरह के सुझाव को आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो दोस्तों इसमें आपका माना जाएगा परीक्षण के एकांशों का विभेद सूचकांक अधिक हो तथा कठिनता स्तर मध्य श्रेणी का हो। नेक्स्ट है, जब कोई परीक्षण उस गुण या विशेषता को सही ढंग से मापता है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे कहा जाता है परीक्षण की वैधता। दोस्तों थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, सॉरी इसके लिए। तो दोस्तों जब कोई परीक्षण उस गुण या विशेषता को सही ढंग से मापता है जिसे पाने के लिए उसे बनाया गया था, तो उसे परीक्षण की वैधता कहते हैं। वैधता यानी कि वैलिडिटी मतलब होता है कि जिसके लिए परीक्षा बनाया गया है वह उसी को मापे। जो वैधता होता है सबसे पहले वह निर्धारित किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट के लिए
साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रमाणिकता के लिए रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट है, परीक्षण प्राप्तांकों की वैधता के कई गुण होते हैं, निम्न में से किसे उन गुणों में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो यहां पे क्या किया जा सकता है पहले उसको देखिए। वैधता एक सापेक्ष पद है, वैधता किसी परीक्षण की निश्चित गुण नहीं होती है, वैधता की अभिव्यक्ति मात्रा में की जाती है। यहाँ पे राइट आंसर होगा, यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा। वैधता से तात्पर्य परीक्षण प्राप्तांकों की पुनर्उत्पादन से होता है, ये गलत है आपका, ये शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, वैधता के कई प्रकार है जो निम्नांकित है, इसमें से कौन सी वैधता है जिसे इस सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो दोस्तों, जो वैधता होता है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कंटेंट वैलिडिटी यानी वस्तु विषय वस्तु वैधता, निर्माण वैधता यानी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, एंड पूर्वानुमान की वैधता यानी फॉरकास्टिंग वैलिडिटी, मापदंड वैधता यानी क्राइटेरियन वैलिडिटी, स्तर प्रमाणिकता यानी स्टेटस वैलिडिटी, समकालीन वैधता यानी कंकरेंट वैलिडिटी एंड होता है। बट इसमें आपका कौन नहीं है, आपका अंतर विषय वैधता है, कसौटी संबंधी वैधता है, रचनात्मक वैधता है, बट प्रत्यक्ष वैधता नहीं है इसमें। नेक्स्ट है कि शोध कार्य में जनसंख्या इकाइयों का कोई भौतिक आधार नहीं होने पर उसकी कल्पना करके जनसंख्या का निर्धारण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे कहा जाता है सीमित जनसंख्या। क्या कहा जाता है? सीमित जनसंख्या। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 50 है कि शोध कार्य में जब जनसंख्या की सभी इकाइयां वास्तविक होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, उसके वास्तविक जनसंख्या कहेंगे। तो दोस्तों, ये था आज के सेशन में 50 एमसीक्यू। कुछ स्टैटिक्स जो फिजिकल एजुकेशन में दिया गया है उससे क्वेश्चन ज्यादा हो गए थे, एंड ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे, एंड आपके फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी से भी थे। तो आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों में, एंड डेली बेसिस इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।